केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने आज कालका शहर में रोड शो का आयोजन किया। उनके साथ विधायक कालका लतिका शर्मा, भाजपा वरिष्ठ नेता श्यामलाल बंसल, विधायक कालका लतिका शर्मा के बेटे आदित्य शर्मा उर्फ सन्नी सहित भारी संख्या में भाजपा कार्यकारिणी सदस्य, पदाधिकारीगण और महिला मोर्चा साथ थे। जगह जगह पर केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया का स्वागत किया गया। माँ के चरणों में यहाँ पर आया हूँ और माँ से प्रार्थना की है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो मुझे ये दायित्व दिया है और दो दो महकमों का दायित्व दिया है, माँ मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर सकूं और देश प्रदेश और अपने लोकसभा क्षेत्र के जनता की भलाई कर सकूं। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देना और अधिक रोजगार उपलब्ध करवाना ही मुख्य उद्देश्य रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि निगम और जींद उपचुनाव के बाद लोकसभा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी द्वारा बढ़िया काम करने के बाद लग रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी 80+ का आंकड़ा पार करेगी। इस क्षेत्र के अंदर जॉब क्रिएशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन उस और बढ़ा जाए और कालका क्षेत्र के अंतर्गत भी उन सभी संभावनाओं का पता लगाया जाए जिससे यहां के लोगों को रोजगार मिल सके। कॉरपोरेशन और जींद के उपचुनाव के बाद हम +70 की बात कह रहे थे, लेकिन अब जो 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती हैं और लोकसभा के चुनाव में हम मात्र 11 सीटों पे पीछे रहे, तो हमने इतना बढ़िया बेहतरीन प्रशासन दिया है, हमारे विधायकों ने कड़ी मेहनत की है, मुझे लगता है कि 80+ आए। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया के कालका में रोड शो के चलते भारी ट्रैफिक जाम लगा रहा। हालांकि कालका पुलिस प्रशासन ने पहले ही वाहनों को रोक दिया था, जिससे बाजार में जहां एक ओर ट्रैफिक जाम लगा रहा, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर वाहनों को रोकने पर कालका का मुख्य बाजार पहली बार खाली नजर आया। तो क्या दिक्कत, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी मेरे को दिक्कत आई है, जाम है यहाँ पे, जाम है यहाँ पे। राजनीतिक पार्टियों द्वारा रोड शो करने से आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वैसे भी स्कूलों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं और इन दिनों पर्यटक मैदानी इलाकों को छोड़कर हिमाचल प्रदेश की हसीन और ठंडी वादियों का मजा लूटने शिमला और कुफरी जा रहे हैं, इसीलिए भी सड़क पर वाहनों की संख्या अधिक है।